देख सकते हैं आप, मेकअप में आप बहुत करीब से भी मेकअप दिखा देती हूँ, और आई शेड्स बता देती हूँ आपको, गोल्डन ब्लैक जो मैंने लगा रखा है। चलिए मुझे जल्दी से बता दीजिए आप कि आपको मेकअप कैसा लगा, अच्छा लगा हो। आप इस मेकअप को ट्राई करके देखिए, काफ़ी अट्रैक्टिव और अच्छे लगोगे। मैं जब मेकअप करती हूँ तो काफ़ी सारे कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं, मैम आपका फेस मेकअप के लिए ही बना है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा फेस मेकअप के लिए बना है। मेकअप सभी लोग करते हैं, सभी लोग बहुत अच्छे लगते हैं, तो जब भी मैं मेकअप करती हूँ मुझसे सब लोग यही बोलते हैं, मैम आपका फेस क्या मेकअप के लिए बना है, हल्का सा मेकअप करके आपका फेस लुक चेंज हो जाए। तो आज तो मैंने कंटूरिंग भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया है, ये एकदम सिंपल मेकअप है जो मैंने आपके सामने किया था, जस्ट आपके सामने किया, आपको पूरा दिखाया, एक भी स्टेप मिस नहीं की है। अब इस तरह का सिंपल मेकअप कीजिए और अपनी शादी में इंजॉय कीजिए, और फिर मुझे बताइए, अभी आप शादी में फुल इंजॉय कीजिए, फुल मेकअप कर दीजिए, जब आप शादी हो जाए उसके बाद मुझे ढेर सारे कमेंट लिखे कि आपको कितने सारे कॉम्प्लीमेंट मिले। मैं आपके कॉम्प्लीमेंट जो आपको मिलेंगे, शायद आपको ना वेट ना हो, लेकिन मुझे आपके कॉम्प्लीमेंट का जरूर वेट रहेगा। तो चलिए जल्दी से बता दीजिए आप कि आपको मेकअप का ट्राई करोगे या नहीं, पहले तो मुझे ये भी बता देना कि आप ट्राई करने वाले हो ना। मैंने मेकअप बताया जो आपकी डिमांड पर मैंने आज मेकअप लेकर आई हूँ, तो आप मुझे ज़रूर बताइए कि हाँ मैम आपका मेकअप सिखाने का स्टाइल काफ़ी अच्छा है, और हमने ये ट्राई किया और हमको ये कैसा लगा, सब कुछ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आप अगर चाहें तो मेरे साथ फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं। मैं एक बात का ध्यान रखिए कि फेसबुक पे मैं केवल उन्हीं लोगों को जोड़ती हूँ जो जिनके कमेंट्स मेरे लिए अच्छे आते हैं, और मुझे वाकई में लगता है कि ये मेरे फ्रेंड बनने लायक हैं, केवल उन्हीं के लिए जोड़ती हूँ। काफ़ी सारे मुझे फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, लेकिन मैं एक्सेप्ट नहीं करती हूँ। मैं अपने यूट्यूबर भाई बहनों का करती हूँ, क्योंकि मैं उनसे जुड़ी रहूँ, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाती हूँ, तो शायद मोबाइल ज़्यादा मोबाइल का ज़्यादा यूज़ नहीं आता मुझे। मुझे ये बात कहने में कोई शर्म वाली बात भी नहीं कि मुझे ज़्यादा मोबाइल चलाना नहीं आता है, तो मैंने इंस्टाग्राम वगैरह आईडी बना रखी है, लेकिन एक दो फोटोज़ वगैरह डाल रखे हैं, लेकिन मैं फेसबुक चलाती हूँ, और उस पर मेरे बहुत सारे यूट्यूबर भाई बहन ऐड भी है मेरे साथ फेसबुक पे, आप चाहो तो आ सकते हो। एक भाई ने लिखा था मुझे, कोई योगेश जी हैं, कि मैम आपके पेटीएम नहीं है क्या, उनको पैसे वैसे डालने होंगे। तो भाई ऐसा है कि देखिए, मैं एक बहुत छोटी सिटी से हूँ, मैंने अभी अपना पेटीएम चालू नहीं किया है, लेकिन मैं कुछ टाइम बाद अपना पेटीएम चालू करने वाली हूँ। ये हो सकता है मेरे लिए खुशखबरी, आपके लिए खुशखबरी मुझे पता नहीं, लेकिन मैं कुछ टाइम बाद अपना पेटीएम चालू करूँगी, अभी चालू नहीं है, क्योंकि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी। अभी मेरे बच्चों ने बताया कि पेटीएम के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो मैं वो भी स्टार्ट करवा लूँगी थोड़े से टाइम में। तो मुझे जो क्वेश्चंस आप लोग लिखते हैं, तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखा करो, मैं उसमें कोशिश करती हूँ कि आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दूँ मैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके बाय, गुड नाइट, नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप? मैं सीमा मेहता अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ मेकअप। हाँ फ्रेंड, मेरी एक यूट्यूबर हैं जिनके घर में शादी है, तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि मैम आप मेरे घर में शादी है, तो आप प्लीज़, मैं ब्लैक प्लस गोल्डन ड्रेस पहनने वाली हूँ, और ग्रीन प्लस ब्लू, ग्रीन और ब्लू कलर का ड्रेस पहनने वाली हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे आई शेड्स उसके फंक्शन के लिए आप मेकअप बताइए। तो वैसे आज मैं आपको साड़ी का वीडियो लेकर आने वाली थी, लेकिन उनके घर में शादी है, 16 नवंबर से पहले डालने की रिक्वेस्ट की, तो आज मैं पहले उनका मेकअप का वीडियो डाल देती हूँ। तो चलिए, आप भी, शादियाँ आने वाली हैं क्या, आ गई हैं, तो चलिए मेकअप सीख लीजिए, बहुत इजी तरीका, घर पर आराम से मेकअप कीजिए, शादियों में जाइए, एंजॉय कीजिए, कॉम्प्लीमेंट लीजिए। बहुत जो सिंपल मेकअप होता है फ्रेंड, तो काफ़ी सुंदर और अट्रैक्टिव लगता है, और जब आप उसी मेकअप को बहुत ज़्यादा ओवर कर लेते हो तो वो आंखों को चुभने लगता है। आपने देखा होगा यूट्यूब पर कितने सारे मेकअप दिखाते हैं, अगर
उन मेकअप को हम कर लें तो शायद अपनी शक्ल हम सामने वाले को नहीं दिखा सकते। हाँ, नाइट में काफ़ी अट्रैक्टिव और सुंदर मेकअप लगता है, लेकिन दिन में वही मेकअप आपकी आंखों को चुभने लगेगा। आप ट्राई करके देखिए, आप मेरी बातों पे विश्वास नहीं कीजिए, आप ट्राई कीजिए कि आप अगर वो मेकअप करोगे, लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर लगाओगे तो मेकअप बहुत ही गंदा और भद्दा लगेगा। रात को लाइटिंग की वजह से वो मेकअप शाइनिंग में चेंज होता है, ग्लास मेकअप में। लेकिन आप उसको अगर दिन में करोगे, चारकोल लगाओगे, तो नेचुरल सी बात है कि वो बहुत आंखों को चुभने वाला मेकअप होगा। तो मैं आज आपको सिंपल सादा सा मेकअप सिखाने जा रही हूँ जो बहुत जल्दी हो जाएगा, अफोर्डेबल मेकअप है और कुछ नया। तो चलिए ट्राई करते हैं। ट्राई करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दीजिए, घंटी का बटन ज़रूर दबा दीजिए जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको इजीली मिल सके। चलिए, बहुत सारा टाइम चला गया है तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। आप सबसे पहले मॉइस्चराइजर ले लीजिए निविया का। मैं आज आपको प्रोडक्ट भी बता देती हूँ, अब आप ये मत कहिए कि मैं प्रोडक्ट का ऐड कर रही हूँ, बिल्कुल ऐड नहीं कर रही हूँ। मैं जो यूज़ करती हूँ वही प्रोडक्ट आपको बताने वाली हूँ, तो आप इन इन चीज़ों से घर बैठे हुए बहुत आसानी से मेकअप कर सकते हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ें और अच्छी अच्छी चीज़ें बताने वाली हूँ जो सब जगह पे मैं जो ब्रांड है वो मिल भी जाता है और मेकअप भी काफ़ी अच्छा होता है। तो चलिए, आप सबसे पहले तो मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए। ये आपने लगा लिया मॉइस्चराइजर। बिल्कुल मॉइस्चराइजर के बाद आपको शादी का मेकअप है तो आप ये फेस सीरम ले लीजिए, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो। मैंने ये न्यूट्री ग्लो का लिया है। हेयर सीरम यूज़ कर लिया। हेयर सीरम यूज़ करने के बाद लैक्मी का फाउंडेशन, बिल्कुल आप लैक्मी के फाउंडेशन से करेंगे। काफ़ी रेंज भी अच्छी है, अफोर्डेबल भी है और चेहरे को कोई नुकसान भी नहीं होता, ब्रांड भी अच्छा है, तो आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। ये नाइट मेकअप है तो थोड़ा सा आप हैवी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नाइट मेकअप थोड़ा हैवी हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, और जितना टाइम होता है हैवी मेकअप को उतनी ज़्यादा चमक आती है। आप देख सकते हैं, ये मैंने अच्छे से फाउंडेशन लगा लिया है, ये मेरा बेस रेडी हो गया है। थोड़े से मेरे यहाँ पर डार्क सर्कल हैं तो डार्क सर्कल छुपाने के लिए आपको क्या करना है, पैनकेक यूज़ कर लीजिए। अपने कलर मैच का कीजिए, जैसे आपका अगर थोड़ा डार्क कलर है तो आप नंबर 2 नंबर 3 यूज़ कर सकते हैं, और आपका अगर फेयर कलर है तो
तो आप नंबर एक यूज़ कर सकते हैं। प्लीज़ थोड़ा सा स्किन मैचिंग नंबर का याद रखिए आप, अगर स्किन से मैच होता हुआ आप लगाएंगे तो बहुत अच्छा दिखेगा और एकदम ऐसा लगेगा कि आपका नेचुरल है। ये आपने पैनकेक लगा लिया अच्छे से। ये हो गया आपका बेस रेडी। अब आपको क्या करना है, आप आईज के नीचे आपका लाइनर वगैरह बिगड़ जाता है कई बार, उसके लिए आपको क्या करना है, आप थोड़ा सा पाउडर लगा लीजिए। आपको दिखा मैंने ब्लशर वाला एरिया छोड़ दिया है बिल्कुल, ब्लशर के जो जगह है मैंने वहां पर बिल्कुल भी। अब आप अपना आई शेड्स लगा सकते हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ ब्लैक और गोल्डन, सॉरी ब्लैक और हाँ ब्लैक और गोल्डन ही पहनने वाली हैं वो। तो आप गोल्डन कलर तो आईज में मैंने लगा लिया है गोल्डन कलर। अब आपको लगाना है इस पर गोल्डन में, आप ब्लैक ड्रेस पहनने वाला है तो ब्लैक लगा लीजिए। ब्लैक आपको किस तरह से लगाना है, आप एक तिरछी सी कट लाइन लगा लीजिए यहाँ पर, एकदम तिरछी लगाना है आपको, बिल्कुल भी सीधी नहीं लेनी। देख सकते हैं आप, मैंने दोनों आईज में लगा लिया है ब्लैक और गोल्डन। आप देख सकते हो मैंने थोड़ा सा तिरछी लाइन खींची है दोनों साइड में। अब आपको क्या करना है, आपके अच्छे से ब्लैक और जो आपका गोल्डन है आपको अच्छे से मिक्स कर देना है, इन दोनों कलर्स को बहुत अच्छे से मिक्स कर दीजिए। आपको ऐसा लगना नहीं चाहिए कि आपने देखिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आप घर में शादी है तो थोड़ा सा शाइन, आप मेरी आईज देख सकते हो दूर से, ऐसा लग रहा है कट क्रीज लाइन बनाई हो मैंने, क्योंकि सीधी खींचते हैं तो कट क्रीज लाइन दिखती नहीं है। मैंने दोनों लाइनर जो थोड़े से तिरछे खींचे हैं तो एकदम ऐसा लग रहा है कि कट क्रीज आईज, मतलब कटी हुई आईज, और काफ़ी अच्छा। अभी लाइनर वगैरह लगाएंगे तो काफ़ी सुंदर लगने लग जाएगी। आपको क्या करना है, हल्का सा आपको ग्लिटर टच करना है और आपको ग्लिटर ये देखिए बहुत अच्छा, ये जो शिमर है स्विस ब्यूटी का है फ्रेंड, और मुझे बहुत पसंद है।
बिल्कुल, मुझे ग्लिटर, क्योंकि मैं काफ़ी सारे ग्लिटर खरीद चुकी हूँ, ज़्यादा लंबे समय तक टिकते नहीं हैं। ग्लिटर क्या होता है कि जैसे लोकल ग्लिटर लगाओगे आप तो पूरे फेस पर धीरे धीरे आ जाएगा, लेकिन जो मैं ये स्विस ब्यूटी का ग्लिटर लगाती हूँ ये बिल्कुल मेरे फेस पर नहीं आता, एज इट इज उसी जिस जगह पर लगाया वहीं पर रहता है। देखिए, आईज मेकअप कंप्लीट हो, सॉरी कंप्लीट तो नहीं हुआ है अभी, शेड्स लग गए हैं, गोल्डन एंड ब्लैक पहनने वाले हो ना आप, तो ये गोल्डन और ब्लैक का आई शेडो लग गया है। अब आप इसमें, आपने मुझे बताया ब्लू का आपको बताना है, आप इसके साथ में अगर ब्लैक लगाओगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा, इसके साथ ब्लू या ग्रीन लगाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो आप ब्लैक और गोल्डन के साथ अगर ब्लैक कलर का आईलाइनर लगाओगे तो काफ़ी सुंदर लगेगा। तो मैं आपको ब्लैक कलर का आईलाइनर इसमें लगा कर दिखाती हूँ। किस तरह से लगाना है आपको? बिल्कुल आईज का जो आपने ब्लैक कलर का आई शेड्स लगाया है बिल्कुल आपको उसकी सीध में लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको इसको वापस इस तरह से मिला लेना है। देख सकते हैं आप, इसी तरह से आप दूसरे आईज में लगा लीजिए। थोड़ा सा आपका लाइनर सूखता है जब तक आप आईब्रो पेंसिल लगा लीजिए। आईब्रो पेंसिल आप बहुत हल्की हल्की लगाइए, आप चाहें तो ब्रश से लगा सकते हैं, नहीं तो आप नॉर्मल पेंसिल से लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा बहुत टच करते ही इजी शेप बन जाता है, ये प्राकृतिक शेप है, इसमें कोई ज़्यादा शेप डालने की ज़रूरत नहीं है। हो गया है, इसके बाद आप काजल लगा लीजिए। काजल जो मैं हमेशा आपको बताती हूँ बिल्कुल आपको कॉर्नर टच करके लगाना है। अगर आपको लाइनर लगाने में दिक्कत आए तो आप पहले 3 क्रॉस या 3 टिप्स लगा लीजिए, उसके बाद आप बहुत आसानी से आईलाइनर लगा सकते हो। आईलाइनर बिना प्रैक्टिस के नहीं लगता है, तो आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। शादी है तो कुछ दिन पहले से रोज़ रेडी होने की प्रैक्टिस कीजिए, आप रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही आसानी से आ जाएगा आपको। ये देखिए, और जो मेरा आप काजल पास से भी देख सकते हैं मेरी आईज़ को, थोड़ा सा हैवी लुक दिया है मैंने आईज़ का, क्योंकि जब घर में शादी होती है तो थोड़ा सा हैवी लुक ही अच्छा लगता है। आपका आईज मेकअप रेडी हो गया है, आईब्रो पेंसिल रेडी हो गई है। आप लिप्स को ले लेते हैं, आप गोल्डन कलर से, सॉरी ब्लैक
मरून कलर से आप पहले अपने होठों का शेप बना लीजिए, जैसा नेचुरल आपका शेप है वही बनाइए, आपको एक्स्ट्रा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए मेरा वी शेप है तो मैं इसको वी शेप दूंगी। वी शेप देने का एक अपना तरीका होता है, सबका अलग अलग तरीका होता है, मैं आपको अपना तरीका बता दे रही हूँ, आप उस तरह से ट्राई कर सकते हैं, बहुत ईजी है। देखिए पहले आप क्रॉस का निशान लगा लीजिए, उसके बाद दोनों वी को मिला दिए, इससे क्या होगा, बिल्कुल आपकी लिपस्टिक में मिस्टेक नहीं आएगी लगाने। एक पॉइंट यहाँ रख लीजिए, हो गए 3 पॉइंट। अब इनको ड्रॉ कर, आप इसको अंदर भर दीजिए। लिपस्टिक लगाने से पहले आप मॉइस्चराइजर प्लीज जरूर लगा लीजिए। मैंने मॉइस्चराइज पहले कर लिया था, जब मैंने फेस पे मॉइस्चराइज किया था तो फोटो पे भी लगाया था मैंने। उसके बाद आप अपनी कोई भी पसंद की लिपस्टिक लगा सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, और इस तरह का नेचुरल कलर लगाना है आपको वो भी लगा सकते हैं, लेकिन घर में शादी है, इतना बड़ा फंक्शन है तो थोड़ी सी हैवी लिपस्टिक तो बनती है भाई। बिल्कुल इस तरह के, ज़्यादा हैवी भी नहीं लगाइए, नॉर्मल सी। और उसके बाद आप ग्लॉस लगा सकते हैं, आप चाहें तो इस पे हल्का सा, बहुत हल्का सा गोल्डन कलर टच कर सकते हैं, जिससे कुछ एक्स्ट्रा आपको दिखाना हो, एक्स्ट्रा मेकअप करना हो। ये मैंने ग्लॉस लगा लिया है नाइट को, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, लिपस्टिक हो गया, अब आपका मेकअप फेस पाउडर लगाएंगे, और जो सिंपल मेकअप है वो एकदम रेडी। आप फेस पाउडर चाहें तो बीबी क्रीम वाला लगा सकते हैं, ये बीबी क्रीम का फेस पाउडर है हुडा ब्यूटी का, तो आप ये लगा सकते हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लगा है ये, क्योंकि इसमें बीबी क्रीम भी मिक्स है और मॉइस्चराइज़र भी है और फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छा देता है। आप देखोगे मैंने ओनली एक बार टच किया है, और एक बार के टच करने में आप देख सकते हो, क्योंकि ये जो सिंपल पाउडर होते हैं वो फिनिशिंग तो दिखा देते हैं, लेकिन जो एक मेकअप के बाद मॉइस्चराइज़र आता है वो मुझे इसमें दिखा और मुझे ये अच्छा लगा। लॉन्ग टाइम तक चलता है, इस एक ये खूबी इसकी कि ये लॉन्ग टाइम तक चलता है, और ये ऑयल कंट्रोल रखता है इसमें, ये भी अच्छी क्वालिटी है। तो मैं इसको काफ़ी टाइम, बहुत बार मैं इसको लगा चुकी हूँ, ट्राई कर चुकी हूँ, उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने प्रोडक्ट उठाया और आपको बता दिया कि आप इसको लगा लीजिए, नहीं, मैं जब किसी प्रोडक्ट को बिल्कुल अच्छे से जांच परख कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपके सामने लेके आती हूँ उस प्रोडक्ट को, हाँ कि ये प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हैं, ये अच्छा प्रोडक्ट है। आप भी जो अभी तक मैंने मेकअप किए हैं, तो जो मैंने प्रोडक्ट आपको बताए हैं, तो आप उन प्रोडक्ट को ट्राई करके देख सकते हैं कि कैसा रिजल्ट है, और आपने किया भी होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे शायद कमेंट बॉक्स में ये आता ही नहीं कि मैम आप मेकअप सिखाइए या आपका मेकअप ओवर है। अगर कुछ ऐसा होता तो ज़रूर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देते, ये तो मुझे मालूम है कि ऐसा कुछ है नहीं, बहुत लाइट मेकअप सिखाती हूँ मैं। लास्ट में ये ब्रश ले लीजिए, ये ब्रश मैं आपको हमेशा क्यों बताती हूँ, इससे मेकअप बिल्कुल प्लेन हो जाता है, जिस तरह की दीवार पर पुट
पुट्ठी के बाद कलर करते हैं, तो आप ये समझिए आपका जो बेस है ये पुट्ठी हो गई। अब पुट्ठी को फैलाने का काम ये ब्रश करेगा एक जैसे, तो आप इसको ऊपर से नीचे की ओर ब्लेंड करेंगे बहुत अच्छे से, बहुत इजी से ब्लेंड हो जाता है। इसमें काफ़ी बड़े बड़े ब्रशेस आते हैं और तो ये काफ़ी कम रेंज का आता है और अच्छे से मिक्स भी हो जाता, तो मुझे ये गर्ल्स को सिखाने के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ लगी, क्योंकि गर्ल्स बहुत सारे ब्रश नहीं खरीद सकती, तो आप इस तरह के दो ब्रश ले लीजिए, काफ़ी आपके पूरे मेकअप में क्रीम वगैरह सभी लगाने के काम आ जाएगा। तो ये मेरा मेकअप लुक रेडी है, आप शादी में इस तरह का लुक बना सकते हैं। थोड़ा सा मैं ब्लशर लगा के दिखा सकती, सॉरी दिखा देती हूँ, क्योंकि आप नाइट मेकअप करने जा रहे हो और आपके घर में शादी है, तो थोड़ा जितना हो सके चमक चमक तो बनती है, क्योंकि शादी में जितना हम चमक सकते हैं उतना चमकने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्लीज़ ओवर ना चमके, क्योंकि ओवर जो मेकअप होता है वो सभी की आंखों में छुपता है। तो आज मैं कौन सा कलर लेने वाली हूँ, आज मैं लेने वाली हूँ, अच्छा कौन सा आप ड्रेस ब्लैक और गोल्डन पहनने वाले हैं, तो हल्का सा गोल्डन और वाइट का टच लेते हैं। तो ये देखिए मैंने लिया गोल्डन कलर और हल्का सा मैंने इसको टच किया गोल्डन कलर को, और आप देख सकते हैं मेकअप रेडी है। आप चाहें तो इस पर हल्का सा, बहुत हल्का सा, बहुत हल्का सा पिंक शेड्स लगा सा, इससे क्या होता है कि जो आपके चीक्स हैं वो उभार में दिखते हैं और पिंक मतलब एक नॉर्मल नेचुरल कलर जिसको हम बोलते हैं, जैसे आप पिंक यूज़ करोगे तो ऐसा लगेगा कि आप आपके चीक्स नॉर्मल पिंक हैं, बहुत हल्का सा, बहुत हल्का सा आपने गोल्डन के ऊपर हल्का सा पिंक टच करोगे, काफ़ी अच्छा लगता है। आप देख सकते हो मेरे चिक्स कितने उभार में आ गए हैं ये, तो ये आपका मेकअप रेडी है, इस तरह का लुक बना सकते हैं आप। देखिए आप चाहें तो कोई भी हेयर स्टाइल बना लीजिए, मैंने आज आपको मेकअप बताया ब्लैक एंड गोल्डन ड्रेस के लिए, आप देख सकते हैं आई शेड भी देख सकते हैं मेरा बहुत लाइट लगाया और काफ़ी हैवी आईज दिख रही है, तो मैं आपको अपना ड्रेस भी दिखा देती हूँ ब्लैक कलर का, तो आप इस तरह का मेकअप अपना सकते हो। आप बालों में कुछ भी एक्सेसरीज लगाइए जो आपको अच्छा लगे, आजकल काफ़ी सारी एक्सेसरीज चल रही हैं तो आप कोई भी लगा सकते हैं, तो मैंने बालों का कोई हेयर स्टाइल नहीं बनाया है, ये जो मैंने कल सेल्फ कट किया था आज वही है, मैंने बाल वॉश नहीं किए हैं, तो मुझे ओनली मेकअप बताना था। हेयर स्टाइल के लिए मेरे पास अभी शायद टाइम कम है, वीडियोस का टाइम पूरा हो गया है, मैं हेयर स्टाइल फिर कभी लेकर आऊँगी, मैं आपको दिखा देती हूँ। आप इस तरह का ब्लैक कुछ भी आप ड्रेस पहन ली, गाउन वगैरह जो भी पहन रहे हो आप वो पहन सकते हो। कैसा लगा आपको मेरा मेकअप, अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि मेरा मेकअप कैसा लगा। देखिए मैं ये ड्रेस लेकर आई हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि मेरा ड्रेस कैसा लगा। कुछ नया धोती स्टाइल का लुक है और मुझे थोड़ा अच्छा लगा ये पैटर्न, तो कुछ नया ट्राई करने के चक्कर में लिया। अब आप मुझे बताइए कि मेरा ड्रेस आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे लिखकर बता दीजिए, मैं एक दिन जब लाइव आऊँगी तो आपसे ढेर सारी बातें करूँगी और आप मुझे उस टाइम बिल्कुल फेस टू फेस बता सकते हो कि आपको मेरा ड्रेस किस तरह का लगा। आज मैंने आपको शादी के लिए मेकअप बताया है गौरी जी, तो आपको मेकअप कैसा लगा
मुझे जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। और देखिए नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ का आता है, अभी आप देख सकते हैं। ओके बाय, गुड नाइट।